ग्रोसरी की, कहाँ से की और क्या क्या चीज़ें परचेज़ की और कितनी सस्ती ख़रीदी मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से ग्रोसरी कर रही हूँ, आइटम्स और दूसरा मीट वगैरह भी मिलता है। और यहाँ पे इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं, ठीक है, कि 14 अगस्त के ऊपर लगी हुई है आज़ादी ऑफर सेल। और यहाँ पे अगर आप 15,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 25,000 जो है ना वो आप विन कर सकते हैं, उसका वाउचर मिलेगा। बाद मैं डिज़र्ट सेक्शन में आ गई और डिस्काउंटेड ऑफर्स लगी हुई थी। उसके बाद ये मेरा हॉट फेवरेट सेक्शन है, इसका हमारा ब्लॉग सारा का सारा इसी बात पे कि हम सस्ती ग्रोसरी कैसे कर सकते। जो सेक्शन था ये तो मुझे इतना फैसिनेट कर रहा था। चाय पीने वालों को और कॉफ़ी पीने वालों को हमेशा रहती है कप की या मग की तलाश, सूटकेस वगैरह, ये इस सराउंडिंग बहुत फैसिनेट करती है। 75 रुपये में कौन कप देता है। और विजिट मैंने ऐसे किया जैसे मैं क्वालिटी कंट्रोल में होती हूँ। स्टार्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सल्लम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने जो है वो ग्रोसरी की, कहाँ से की और क्या क्या चीज़ें परचेज़ की और कितनी सस्ती ख़रीदी मैंने, वो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में कवर होगी। और सबसे पहले हमने क्योंकि एक ट्रॉली ले ली है और यहाँ पे बेक पार्लर की जो है वो लगी हुई थी 169 की, और ये टोमेटो केचप के ऊपर भी जो है वो ऑफ़र लगी हुई थी कि आप मेयोनीज़ इसके साथ ले सकते हैं इन जस्ट 349। और उसके बाद जनाब मैं आ गई डीसी काउंटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे डीसी काउंटर पे इस बार काफ़ी वैरायटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से ग्रोसरी कर रही हूँ और मैं आप लोगों को बता भी नहीं रही हूँ, तो चले मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ पे और मैं क्या क्या चीज़ें परचेज़ करने लगी हूँ, वो तो आप आगे देख ही लेंगे। तो जनाब मैं इस वक्त इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं, ठीक है, और ये मैदे का आप देख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें मैं आपको आगे भी एक्सप्लोर करवाती जाऊँगी। अच्छा, इनके डीसी काउंटर के ऊपर भी जो है वो इन्होंने क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया हुआ। वैसे तो इम्तियाज़ की ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप ख़रीदें आँखें बंद करके, बिकॉज़ वो बहुत क्वालिटी में अच्छी हैं। और यहाँ पे आटे का अगर आप देखते हैं तो 1130 रुपीज़ के अंदर आपको जो है वो चक्की का एकदम प्रीमियम क्वालिटी आटा मिलता है, और 900 का पंजाब आटा भी है, लेकिन वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर कि इनके पास जो भी चीज़ें हैं वो अगर डीसी काउंटर से भी हैं तो वो सस्ती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पे चावलों की बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी, तो ये सेला चावल भी पड़े हुए थे 1349 के अंदर, और ये बासमती कायना जो कि सिर्फ 325 रुपये में, लेकिन ये पॉलिश वाले चावल हैं। सो आई यूजली प्रेफर के पॉलिश के बगैर हूँ, क्योंकि वो डाइजेशन में मज़ीद जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। और सबसे सस्ता ऑयल का पैकेट भाई 479 का जो था वो किसान का था, और 495 का डालडा का था, जो कि हमने दोनों पिक कर लिए। 5 kg ऑयल के भी प्राइस यहाँ पे मेंशन थे, आप देख सकते हैं, देखें पंजाब आटे का और ये आटे के रेट, तो ये इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम मसाला जात की तरफ आ गए, और यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी मुझे इस दफ़ा इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पे मसाले अब इन्होंने पिसे हुए भी हर तरह के, वो जिनके आपने नाम भी कभी कभी शायद सुने होंगे ना, उन्होंने वो भी मसाले रख दिए हैं, और वो पिसे हुए भी फॉर्म में हैं और वैसे साबुत भी हैं। और ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है ना किचन की, कि फ्राई अनियन बहुत ही इसका मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो क्वालिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी है, आप जल्दी से पका के ना तो फारिग हो जाती हो मसाले भी। तो फिर यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक्स के सेक्शन में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स थे एज़ कम्पेयर टू द मार्केट रेट के, वहाँ के मुकाबले में आपको हर चीज़ के ऊपर ना 5-10 जो है ना वो आ ही रही थी कमी प्राइसेस में, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके ऊपर इवन इससे भी कम था। फिर ये भी जामे श्री एवरग्रीन हमारा मशरूब है, इसको कौन छोड़े। तो जामे श्री के अलावा फिर उसके बाद मैं डिज़र्ट सेक्शन में आ गई, कि डिज़र्ट सेक्शन में कि ऑब्वियसली जब आप ग्रोसरी करते हो वो भी मंथली ग्रोसरी करते हो, तो फिर डिज़र्ट से भी आपको होता है कि मैं क्या क्या चीज़ें और जो है वो परचेज़ कर सकता हूँ, जो कि फिर मैं बना बना के खाऊं या मेहमानों को खिलाऊं। तो ये आइसक्रीम पाउडर भी था यहाँ पे, और कस्टर्ड की भी काफ़ी वैरायटी आ गई है, और डिस्काउंटेड ऑफर्स लगी हुई थी, और आप इजीली यहाँ पे जो है ना वो अपनी चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। एक तो डिस्काउंट ऑफ़र पीछे कंपनी की तरफ से लगी हुई है, आगे से इम्तियाज़ भी अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर देता है, तो ये तो एकदम ना वो दी बेस्ट कंडीशन हो जाती है। फिर उसके बाद ये मेरा हॉट फेवरेट सेक्शन है, बिकॉज़ यहाँ पे बेकिंग की बहुत वैरायटी है, बेकिंग से रिलेटेड आपको जो कुछ आप सोच सकते हैं या आप यूट्यूब पे देखते हैं और आपको चाहिए, यू जस्ट नेम्ड इट एंड दे विल प्रोवाइड यू, दैट्स एज सिंपल एज इट इज़। तो स्प्रिंकल्स मेरे जो हैं वो बहुत मुझे फैसिनेट करते हैं, मुझे बहुत पसंद है,
तो यहाँ पे पहले तो स्प्रिंकल्स की इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन अभी दिस टाइम जब मैंने विज़िट किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई थी और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के साथ स्प्रिंकल्स से। और भी जनाब, अगर आप थोड़े से इस तरह के हैं कि जो कहते हैं कि बस मुझे कुछ भी नहीं आता और मैंने कुछ सीखना भी नहीं है, सो इट्स ओके, यू कैन जस्ट यू नो बाय द मिक्सचर्स। आप पैन केक का मिक्सचर ले लें, आप केक मिक्सचर ले लें, आप आइसक्रीम पाउडर ले लें, वट एवर यू वॉन्ट, आप वो लें और उसको बस बना लें, ईजी टू कुक और रेडी टू कुक। सो यहाँ पे फिर हम दालों के सेक्शन में आए क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि डीसी काउंटर पे आपको जो है वो रेड किडनी बीन्स नहीं मिलते। उसके बाद क्लीनिंग के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, सो वो हमने फिर यहाँ पे आके हमने देखा। तो अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बड़ी फ़नी लगी, जैसे जैसे पाकिस्तान में साबुन का रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो जो मतलब पुराने ब्रांड्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साबुन के प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए हैं, वैसे वैसे साबुन के काफ़ी कैटेगरीज और काफ़ी ब्रांड न्यू लॉन्च हो गए हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो फिर खैर, ये और भी अगर आप मतलब दूसरी चीज़ें भी अगर आप देखना चाहते हैं क्लीनिंग में, तो उनकी क्वालिटी और उनमें काफ़ी वैरायटी और काफ़ी रेंज आपको नज़र आती है। खैर, फिर हम सरफ़ की तरफ आए। फिर मैंने वैसे ना ये सरफ़ इन जस्ट 339 जो है वो 500 ग्राम का है, जो कि सबसे बड़ी पैकिंग में और सबसे कम प्राइसेस में इस वक्त इम्तियाज़ का अवेलेबल था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ऐसे ही समझ के कि देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि इसका बहुत अच्छा क्वालिटी है और आपका बहुत अच्छा जो है ना वो मंथ कम्प्लीट होता है। सो डू ट्राई इट एज़ कम्पेयर टू अदर्स, इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, क्योंकि आज का हमारा ब्लॉग सारा का सारा इसी बात पे है कि हम सस्ती ग्रोसरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और अपना बजट फ्रेंडली रहते हुए अपनी घर की पूरी जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनको कवर अप कर सकें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जनाब, यहाँ पे मैंने डिश वॉश लॉन्ग बार भी पकड़ लिया, और क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट था और चीज़ें मुझे बहुत सारी ख़रीदनी थी और साथ साथ मुझे आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करनी थी, तो ये साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि आप देखें 315 के। अच्छा, ये टिशू का रोल जो है ये भी बाहर महंगा मिलता है, यहाँ पर सस्ता मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाहर बहुत महंगी मिलेंगी और आपका जब टोटल बिल बनता है ना तो वो अच्छे खासे पैसे ऐड हो जाते हैं, और वही पैसे यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये खैर मुझे देख के बहुत प्यारे लगे थे, लेने लूने तो नहीं थे लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो वाई नॉट, देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं। तो फिर खैर मैंने उसको देखा और ये डब्बे ये मैंने खुद परचेज़ किए थे इन जस्ट 449। बाय द वे इसकी क्वालिटी अच्छी थी, इसको आप माइक्रोवेव में रखें कुछ भी तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो क्रॉकरी की चीज़ों से रिलेटेड फिर खैर मैं थोड़ा सा बर्तनों की तरफ आई, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बर्तन पड़े हुए हैं, और ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि उनके वो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस भी थे। तो ये वाला जो सेक्शन था ये तो मुझे इतना फैसिनेट कर रहा था, तो मैंने फिर खैर रह नहीं सकी, मैं फिर इसके पास आई और मैंने इसको पूरा जूम इन करके ना थोड़ा खड़े होकर तसल्ली से देखा कि भाई इन्होंने बनाया क्या हुआ है, यहाँ पर रखा क्या हुआ है। सो खैर बर्तन तो इन्होंने जो रखे थे, लेकिन मैं जो है वो आर्टिस्टिक माइंडसेट के साथ देख रही थी कि बहुत ही खूबसूरत कलर स्कीमिंग है और डिज़ाइन एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं ज़रा क्रॉकरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ और थोड़ा आप लोगों को भी विज़िट करवाऊँ कि यहाँ पे कितनी खूबसूरत चीज़ें और कितने प्रीमियम टच के साथ पड़ी हुई हैं। तो एज़ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं जैसे सोच रही थी, एज़ आई एम अज्यूमिंग, वो बिल्कुल वैसे ही था और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। खैर भाई, चाय पीने वालों को और कॉफ़ी पीने वालों को हमेशा रहती है कप की या मग की तलाश, तो फिर और फिर अगर वो थोड़े सस्ते मिल जाए तो क्या ही बात है। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द कप्स इज़ जस्ट 75 रुपीज़। 75 रुपये में कौन कप देता है, और वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का। और ये भी देख लें, ये भी 100 रुपये का सिर्फ, 105, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसी तरह से आपको कुछ वेरिएशंस के साथ नज़र आएंगे। फिर हम शैम्पू वगैरह हमने कुछ मैंने देखना था, तो फिर हम इस साइड पे आ गए, तो सारों को मैंने बारी बारी जो है ना वो एक्सप्लोर और विज़िट मैंने ऐसे किया जैसे मैं क्वालिटी कंट्रोल में होती हूँ, पर यू नो वो चेक एंड बैलेंस जो पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन खैर, फिर हम साथ साथ ग्रोसरी कर रहे थे, घूम रहे थे, और यहाँ पर ये सूटकेस वगैरह ये सराउंडिंग बहुत फैसिनेट करती है। तो जनाब, वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि 14 अगस्त के ऊपर लगी हुई है आज़ादी ऑफर सेल, और यहाँ पे अगर आप 15,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 25,000 जो है ना वो आप विन कर सकते हैं, उसका वाउचर मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी इन्होंने जो है ना ये डिस्प्ले के ऊपर काफ़ी अच्छे से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है कि बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी।
और बहुत ही स्मूथ नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, यू फील वेरी ऑसम। तो खैर मैंने कहा कि मैं साथ साथ आपको थोड़ा आज़ादी के लिहाज से भी चीज़ें दिखा दूँ जो डेकोरेशन उन्होंने की थी, और आज़ादी हमें जो मिली है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। दैन फिर हम आगे लिफ्ट के अंदर और हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें अपनी ये सारी चीज़ें अब हमारी ग्रोसरी को हमने वाइंड अप करना था, और ओबियसली हम कर तो चुके थे सारी, लेकिन अब हमने जो है वो काउंटर पे जाके क्लियर करना था। लेकिन फिर यहाँ पे मुझे आज़ादी से रिलेटेड कुछ खूबसूरत पेस्ट्रीज़ और केक नज़र आ गए तो मैं फिर रह नहीं सकी, सो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया। तो फाइनली यहाँ पे हमारी बारी आ गई और हम अपनी टर्न के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, और पाँव जो है ना वो शदीद अब दुख रहे थे। तो खैर यहाँ पे आप जो है वो फ्रोज़न आइटम्स और दूसरा मीट वगैरह भी मिलता है और वेजिटेबल्स भी, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये लिस्ट इन्होंने हमें पकड़ा दी, और आपको अगर नज़र आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि टोटल बिल कितना था, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।